इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे जो घरों का फ्रिज रहता है उसमें क्या होता है कि कभी भी हम इसको छूते हैं या फिर किसी कारण से इस डोर को हम लोग ओपन करते हैं तो छूने से ही हमें अर्थिंग वगैरह लगता है, मतलब करंट टाइप का झटका रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम लोग फ्रिज से बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। ठीक है, तो ये किस कारण से आपका अर्थिंग आता है, किस कारण से करंट आता है, किस कारण से इस फ्रिज का बॉडी आता है, पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल है, तो वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रिज में करंट आने का तीन कारण होता है जिसके वजह से ही हमारा फ्रिज जो रहता है उसमें करंट आना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो तीनों कारण क्या अभी मैं आप लोगों को तुरंत बता देता हूँ, बस वीडियो पर बने रहिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो है। नॉर्मली सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक चीज बताऊंगा किसके वजह से ये करंट आता है। तो ये जो तार आप देख रहे हो, नॉर्मली इस टाइप का तार आपको हर फ्रिज में दिखेगा, जैसे कि डबल डोर भी रहा या फिर सिंगल डोर फ्रिज रहा, सभी में ये तार आपको 3 पिन का टॉप के साथ आपको दिखता है। ये टॉप में जो तार लगा हुआ रहता है, ये तार हमारा क्या जाता है कि पीछे कंप्रेसर के एरिया में जाता है। ठीक है, वो कंप्रेसर के एरिया में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, चूहा तार वगैरह काट देता है या किसी कारण से तार का जो पिन रहता है वो निकल करके कहीं से भी वो बॉडी से अटैच अगर हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो फ्रिज रहता है इसमें पूरी तरीके से हमारा करंट आना शुरू हो जाता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं वो आप ध्यान से समझ लीजिए। करना कुछ नहीं है, बस फ्रिज के पीछे आपको जाना है या फ्रिज को आप घुमा दो। घुमाने के बाद वहाँ पर देखिएगा दो तार रहता है या फिर 3 क्लिप रहेगा, वो जो आपका कंप्रेसर रहता है वहीं पर अटैच रहता है। या फिर आप बाहर से भी देख सकते हैं क्या हमारा जो फेस या न्यूट्रल लाल या काला तार कहीं बॉडी से अटैच होकर के सटा हुआ है, तो उसको बस आपको जिस पिन से वो निकलेगा उस पिन पे आपको अटैच कर देना, या फिर कहीं से कटा हुआ है तो वहाँ पर आप टेपिंग कर दोगे तो ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये काम करने से पहले आपको ध्यान रखना सॉकेट आपका जो रहेगा मेन लाइन से वो निकला हुआ रहे। तो ये प्रॉब्लम का नॉर्मल सा सलूशन मैं आप लोग को बता दिया है, जो कि ये प्रॉब्लम बहुत कम आता है। बेसिक ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या था वो आप ध्यान से समझ। तो अब मेन प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट पॉइंट बताऊंगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी हमारा जो ये सॉकेट रहता है, ये सॉकेट इसमें 3 पॉइंट रहता है, एक फेस रहता है, एक न्यूट्रल रहता है, एक अर्थ रहता है। ठीक है, तो अर्थ में क्या होता है कि हम लोग जब भी यहाँ पर अपना 3 पिन सॉकेट जो रहता है उसमें हम लोग इस टॉप को लगा देते हैं। लगाने से ये होता है कि जो हमारा अर्थिंग वाला ऊपर का पॉइंट रहता है वो हमारा घर से का जो बॉडी रहता है, जो बॉडी ग्राउंड रहता है, वो अर्थिंग किया हुआ नहीं रहता है, जिसके कारण से ये हमारा अर्थिंग आना शुरू हो जाता है। तो आपको जब करंट रहेगा तो आप टेस्टर से अगर देखोगे तो टेस्टर में बहुत ज़्यादा लाइट आपका बताना शुरू हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि हाँ इसमें अर्थिंग बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको करना क्या है कि आपका जो 3 पिन सॉकेट रहता है, नॉर्मली यहाँ पर आप सॉकेट देख सकते हो इस जगह पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो सॉकेट होता है इस सॉकेट में आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें चेक करना है जो हमारा अर्थिंग का पॉइंट है, वो अर्थिंग का पॉइंट हमारा बॉडी से अटैच है ना, क्योंकि घर में जो भी वायरिंग होता है, पूरे घर में कभी वायरिंग करवाते तो उसमें एक जो तार रहता है वो बॉडी से अटैच है, मतलब घर का जो बॉडी रहता है वो अर्थिंग से अटैच रहता है, जिसकी वजह से हमारा ये कोई भी प्रोडक्ट रहता है, कोई भी सामान रहता है हमारा एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन, उसमें अर्थिंग नहीं आता है। अगर अर्थिंग वाला जो तार रहता है वो डायरेक्ट हमारा घर का बॉडी से अटैच होता है, तब अगर वो बॉडी से अटैच नहीं रहेगा तो आपका ये अर्थिंग आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मली अगर आपसे ये हो जाता है तो ठीक है, अगर आपसे नहीं होता तो आपको एक टेक्नीशियन बुलाना है, इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, उनको बोलिए कि हमारा जो अर्थिंग वाला पॉइंट आप एक बार चेक कीजिए, ये अर्थिंग वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा लगता है हमारा बॉडी ग्राउंड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से हमारा जो फ्रिज वगैरह रहा है उसमें अर्थिंग आना शुरू हो गया। तो वो इलेक्ट्रिशियन आपका इजीली वो ठीक कर देगा, कोई तरह का आपको दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, ये दो सेकंड पॉइंट था फ्रेंड, सेकंड पॉइंट आप समझ गया, अर्थिंग वाला पॉइंट, अर्थिंग का अगर बॉडी नहीं करा हुआ रहता है तो उसके वजह से हमारा क्या होता है फ्रिज वगैरह में करंट आ जाता है। नॉर्मली ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को एक थर्ड पॉइंट बताता हूँ जिसके वजह से क्या होता है कि ये अर्थिंग आना शुरू हो जाता है। थर्ड जो होता है ये बहुत बेसिकली चीज़ है, ये नॉर्मली आप लोगों को हमारे को 8 साल 10 साल में ये प्रॉब्लम कभी ना कभी कोई ना कोई फ्रिज में आ ही जाता है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का जो फ्रिज में जो कंप्रेसर रहता है पीछे के एरिया में, जो हमारा फ्रिज को पूरा कूलिंग बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ही हमारा जो फ्रिज रहता है उसमें ठंडा बनता है, वो कंप्रेसर अगर ख़राब हो जाता है, ख़राब होने का रीजन कंप्रेसर का बहुत सारा होता है, जैसे कि आपको उसका जो पॉइंट आता है पॉइंट वगैरह कट जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारा कंप्रेसर खराब होता है, या फिर पंपिंग ले होता है। लेकिन बेसिक चीज़ जो करंट आता है वो आप ध्यान से समझिए, करंट इसलिए आता है जब हमारा कंप्रेसर बॉडी हो जाएगा पूरा तरीका से, वो ख़राब होकर के बॉडी, उसके वजह से ही हमारा जो फ्रिज रहता है उसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली चीज़ें होता है, ये आप जल्दी समझ नहीं पाओगे, ये आपको क्या करना होगा, जो फ्रिज का जो टेक्नीशियन रहता है उसको आपको बुला करके ही ये चीज़ को चेक करवाना रहेगा। नॉर्मली वो देख करके ही समझ जाएगा जो हमारा कंप्रेसर रहता है वो पूरा तरीके से बॉडी हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कंप्रेसर को चेंज करवाना है, कंप्रेसर चेंज करवाने के बाद ये प्रॉब्लम आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। नॉर्मली आपको मैंने 3 पॉइंट बताया,
पहला पॉइंट आप समझ गए जो कि मैंने बताया तार वगैरह कटता तो वो इजीली आप उसको सॉल्व कर दोगे। सेकंड पॉइंट जो था वो सॉकेट से रिलेटेड था, सॉकेट में अगर अर्थिंग पॉइंट आपका बेसिकली नहीं किया हुआ है बॉडी ग्राउंड से तो आपका उससे वो जैसे ही आपका अर्थिंग आता था। ये जो मैंने पॉइंट बताया जो बॉडी जो आपका अटैच रहता है अर्थिंग पॉइंट से, ये ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है ठीक है, जब आपके क्वार्टर वगैरह या फिर कहीं से भी क्वार्टर वगैरह हुआ या फिर घर में भी हम लोग बॉडी वगैरह नहीं करवाते तो ये प्रॉब्लम हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक चीज़ ही आपको बस सबसे पहले यही को चेक करवाना है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया बस कंप्रेसर से रिलेटेड, कंप्रेसर खराब होता था उसकी वजह से ही हमारा प्रॉब्लम आया था। तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये प्रॉब्लम आपके लिए समझ में आएगा, इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी सारा फायदा मिला होगा ठीक है। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।